हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो उससे रिलेटेड थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है? कंसिडर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a नॉट x इंटू y टू द पावर n प्लस ए वन एक्स वाई टू पावर एन माइनस वन सोन अप टू ए एन माइनस वन एक्स इंटू वाई प्लस ए एन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारी ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर ए नॉट ए वन सोन अप टू ए एन एफ एक्स आर कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए वी एंड ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए वी। तो हमारे पास ये थ्योरम है जहाँ पे ए नॉट एक्स वाई टू वाई एन प्लस ए वन एक्स वाई टू वाई एन माइनस वन सोन अप टू ए एन एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ए नॉट ए वन सोन अप टू ए एन आर एन एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होंगे इंटरवल ए बी में जहाँ पे ए नॉट एक्स कोफिशेंट ऑफ वाई टू वाई एन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी बी एनी पॉइंट एंड सी वन सी टू सोन अप टू सी एन आर एन रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन ऑन इंटरवल ए बी ऑफ गिवन इक्वेशन। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाइंग वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी वन वाई डैश एक्स नॉट इक्वल टू सी टू सोन अप टू वाई टू वाई एन माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू सी ए। तो हमारे पास ये थ्योरम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के लिए जहाँ पर हमारे पास nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस गिवन इक्वेशन के पास हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब इससे रिलेटेड इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस कॉस एक्स इंटू वाई डैश प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें गिवन इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। कंडीशन गिवन है वाई ऑफ टू इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई डैश टू इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें गिवन कंडीशन है इक्वेशंस की। सॉल्यूशन देखते हैं, इसे कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए नॉट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वन, ए वन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ए टू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसे हमें जो फंडामेंटल हमने थ्योरम पढ़ी थी वहाँ पे इक्वेशन था हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट एक्स इंटू वाई टू वाई एन प्लस ए वन एक्स इंटू वाई टू वाई एन माइनस वन सोन अप टू ए एन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स।
उस गिवन से हम उस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर कर दिया तो हमारे पास है ए नॉट एक्स इक्वल टू वन, ए वन इक्वल टू, ए वन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ए टू एक्स इक्वल टू ई टू बार एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो में ये वैल्यू मिल गई, जहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू एंड एफ एक्स आर ऑल कॉन्स्टेंट। ये सारे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। थ्योरम के हिसाब से भी हमारे पास ये क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए सारी वैल्यूज। एंड सो बाय फंक्शन थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई वाई टू इक्वल टू जीरो एंड वाई डैश टू इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने इस गिवन जो फंडामेंटल इक्वेशन से उसे कंपेयर किया तो यहाँ पर सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। और ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है सारे, कंटिन्यूस सॉरी कांस्टेंट नहीं है, ए वन ए टू, ये सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो ये सारी ए नॉट, ए वन, सोन ऑफ टू, ए टू, एफ एक्स, ये सारे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और ये हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास क्या होगा, गिवन इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस और यूनिक से थ्योरम में देखा था, जो ए नॉट, ए वन, ए टू, एफ एक्स क्या होंगे, सारे कॉन्टिन्यूस होंगे और ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास ए नॉट की, ए नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, जो हमारे जीरो के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये सारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन के पास हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। कंडीशन गिवन है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू आर, वेयर आर डज नॉट इक्वल टू थ्री एंड वाई डैश जीरो इक्वल टू वन। ये हमें गिवन इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम कांट अप्लाई, इस इक्वेशन में हम फंडामेंटल थ्योरम जो हमने एग्जिस्टेंस यूनिकनेस पढ़ी थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, दिस इज लीनियर कंटिन्यूस गिवन इक्वेशन, हमारे पास लीनियर भी है कंटिन्यूस भी है, बट ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास ए नॉट, हमारे पास ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट होल्ड। तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ए नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है, ए नॉट एक्स है। तो यहाँ पे ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। और ए वन एक्स की वैल्यू है माइनस टू एक्स, ए टू की वैल्यू है टू एंड एफ एक्स इक्वल टू सिक्स। ये क्या है, आर कंटिन्यूस ऑन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन में हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, बट हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी इंटरवल में हमारे पास ये कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगेन इसको इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो डी इंटू डी माइनस वन माइनस टू डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू ई टू द जेड पुट के से सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें वन एंड टू। तब से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के इसके सॉल्व कर लेते हैं।
complementary function y is equal to c1 e to the power z plus c2 e to the power 2z equal to c1 x e to the power z की जगह पर हम x पुट कर देते हैं plus c2 x square. इससे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू 6. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 d होल इनवर्स इंटू 1 इक्वल टू 3. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 3 मिल गया. तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 3. गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जहाँ पर कंडीशन गिवन है y जीरो इक्वल टू r एंड y डैश जीरो इक्वल टू 1. y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू सी वन प्लस टू सी टू एक्स. तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे तो सी वन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. C1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से r y जीरो इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ r y ऑफ जीरो इक्वल टू r पुट करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी. जो हमें गिवन इक्वेशन में r की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 दे रखी बट हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ r इक्वल टू 3 वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब हमारे पास हैव नो सॉल्यूशन. हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा. हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके देखा और कंडीशन अप्लाई की तो यहाँ पर हमारे पास r इक्वल टू 3 वैल्यू आ रही है लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आर की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए. तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन के पास हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा. अगेन यहाँ पे आर की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी y जीरो इक्वल टू 3 एंड y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू 1. इस कंडीशन को अप्लाई करके भी देख लेते हैं तो ये वैल्यू y ऑफ जीरो इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वल टू 3 मिल जाएगा और c1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा. तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला हमारे पास. ये वैल्यूज पुट करेंगे तो y इक्वल टू c1 की वैल्यू तो वन आ रही पर कांस्टेंट c2 की वैल्यू हमारे पास c2 ये वैल्यू नहीं आ रही तो y इक्वल टू x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस 3. ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है विच है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज यहाँ पे क्या आर्बिट्री कांस्टेंट c2 है तो हम यहाँ पे c2 की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएंगे. तो सॉल्यूशन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे. हमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके देख लिया था वहाँ पर a नॉट x डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो हम वहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. फिर हमने सॉल्व करके देखा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू कॉन्स्टेंट c2 मिल रहा है जहाँ पर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो गिवन इक्वेशन के पास हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो गिवन इक्वेशन में हम यूनिकनेस एंड यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश इक्वल टू 1. कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 y डैश 0 इक्वल टू 2. सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन हमें गिवन है y डबल डैश इक्वल टू इसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू 1. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश इक्वल टू x प्लस सी वन ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. अगेन इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. हमने इक्वेशन को इंटीग्रेट करके y की वैल्यू निकाली इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड y डैश 0 इक्वल टू 2. यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें सी वन इक्वल टू 2 एंड सी टू इक्वल टू 1. पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 1. ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को हम फंडामेंटल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a नॉट x इक्वल टू 1 ए टू एक्स इक्वल टू 0 ए
a1 x equal to 0 and a2 x equal to 0, fx equal to 1. These are all continuous. सारी वैल्यूज क्या हैं? कंटिन्यूअस हैं इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड ए नॉट एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. हैंस बाय एग्जिस्टेंस इन यूनिकनेस थ्योरम the solution 4 is unique. तो हमने given equation का solution निकाला, हमारे पास ये solution आ गया by हमने उसके बाद में fundamental theorem से इसे compare किया. तो a1 x equal to 1 ये सारी जो values हमारे क्या है continuous हैं और a not x does not equal to 0, तो ये आपकी condition satisfy कर रही हैं. तो हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन आया इक्वेशन नंबर 4 वो होगा गिवन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो दोस्तों आज हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.